स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते बंधुओं, दयानंद एक्यूप्रेशर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, स्वस्थ रहने के लिए हमको खान पान, व्यायाम, प्राणायाम, परिश्रम और भोजन का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहला सुख निरोगी काया। शरीर जो है ईश्वर का मंदिर है। तो दोस्तों, बाइबल में भी आया है, वेदों में भी आया है, शरीर को स्वस्थ रखना हमारा परम कर्तव्य है। तो मैं आपको आसनों के बारे में बताने जा रहा हूँ। कोण आसन करने से नाभि चक्र ठीक होता है, पाचन शक्ति ठीक होती है और भुजाओं में बल आता है। देखिए, कोण आसन बहुत ही सरल है। देखिए, सबसे पहले हम आराम से यूँ लेट जाएं, शवासन में लेट जाएं। देखिए, इस तरह लेट जाएं, इस तरह। तो शवासन में लेटने के बाद में धीरे धीरे बैठें ये, और इस तरह हाथ यूँ ले जा करके पैरों को यूँ देखिए, इस तरह ये पूरा देखो, पूरा देखो, पूरा यूँ ये 45 डिग्री पे कोण बनेगा। देखिए, ये कोण आसन है। इससे सर्वाइकल में लाभ मिल रहा है, रीढ़ की हड्डी मजबूत हो रही है, नाभि चक्र ठीक हो रहा है। देखिए, इस तरह कोण आसन बहुत ही सरल है। मैं आपको बहुत ही सरल आसन बताता हूँ। देखिए कितना सरल है, और गर्दन जितना पीछे को कर सके तो सर्वाइकल इससे ठीक होता है, इस तरह। और भुजाओं में ताकत आती है और एक्यूप्रेशर भी हो रहा है, जो हाथों का जो बल पूरे शरीर का हाथों पर पैरों पर आ रहा है, इस तरह करें। देखिए, फिर धीरे 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 यों लाएं, धीरे 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 धीरे, और करने के बाद में देखिए, इस तरह हाथों को ये एक्यूप्रेशर कर लें। देखो कितना सरल है ये, इस तरह। यहाँ टॉक्सिन बढ़ जाता है, इस तरह करें। देखिए कितना सरल जीवन है। हमारे बुजुर्ग, दादी बाबा, नानी नाना, ये सब देसी तरीका से मस्त रहते थे। एक आज हम भागदौड़ की ज़िंदगी जी रहे हैं, वास्तविक ज़िंदगी नहीं जी रहे। तो दोस्तों, रिटर्न टू नेचर, एडोल्फ जस्ट ने कहा है, जितना आप प्रकृति की तरफ जाएंगे, देखिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मिट्टी की ज़रूरत है, हवा की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, धूप की ज़रूरत है, तो ये सब हमें प्रकृति में ही तो मिलेंगी, बड़ी बड़ी कोठियों में नहीं मिलेंगी। और जो लोग प्रकृति से कोठियों की तरफ भाग रहे हैं, भीड़ की ज़िंदगी में भाग रहे हैं, वो ही अधिक से अधिक बीमार हो रहे हैं। तो रिटर्न टू नेचर, सादा जीवन उच्च विचार, मोटा खाना मोटा पहनना। तो दोस्तों, भोजन आजकल सलाद हमको सबको ज़रूर खानी चाहिए, आंवले की चटनी खानी चाहिए, टमाटर की चटनी खानी चाहिए, चाउमीन बर्गर बच्चों को कम से कम खिलाएं, इससे लंबाई कम हो जाती है, तली वली चीज़ें खाने से नुकसान होता है। देखिए, हम बीमार क्यों हैं, जब तक क्यों पे नहीं पहुंचेंगे, जब तक स्वस्थ नहीं होंगे। मैं जयपाल सिंह आर्य, अध्यक्ष महर्षि दयानंद चैरिटेबल जनसेवा ट्रस्ट बुलंदशहर, मेरा मोबाइल नंबर 98 97 35 83 04। जय हिंद, जय आयुर्वेद।